तो दोस्तों व्लॉग को शुरू करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा हाउ इज द एंड पॉइंट एंड व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ योर व्लॉग. जस्ट लेट मी गिव एग्जांपल. सपोज आप कहीं जा रहे हो तो पहले जाने से पहले क्या डिसाइड करते हो, व्हाट इज द डेस्टिनेशन. ऐसा नहीं आप बाहर निकल कर सोचते हो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है. सो डेस्टिनेशन मतलब ब्लॉग का जो एंड पॉइंट, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. अगर आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है, क्या एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ब्लॉग आपको क्या अचीव करना है, ट्रस्ट मी यू कांट सेट, यू कांट प्लान योर एंटायर ब्लॉग. तो ब्लॉगिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल है, हर ब्लॉगर जो यूज करते हैं द फर्स्टली एंड पॉइंट, मीन्स ब्लॉग को कहाँ पर खत्म करना है, व्हाट इज द एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ द ब्लॉग, व्हाट इज द एग्जैक्टली डेस्टिनेशन ऑफ द ब्लॉग. सो माई फ्रेंड्स, जब आपका एंड पॉइंट डिसाइड हो जाता है, नेचुरली आपका आइडिया आ जाता है, आपका एक टोटल विजन, टोटल प्लान आ जाता है, आपको कहाँ से कहाँ तक आपको पहुँचना है, एंड यू कैन मेक अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर प्लान ऑफ योर व्लॉगिंग एपिसोड. दोस्तों सेकेंड पॉइंट है ऑल अबाउट योर शॉर्ट डिविजन. एक्चुअली शॉर्ट डिविजन एक फिल्म मेकिंग का एक वन ऑफ द यू कैन से स्टाइल, और फिल्म मेकिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शॉर्ट डिविजन यूज होता है. मैक्सिमम जो व्लॉगर जो बात करते हैं, दे यूजली यूज द टू टाइप ऑफ शॉर्ट. वन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वो लोग बात करते हैं, और कैमरा को ऐसे घुमा कर वो लोग कुछ दिखाने के लिए कोशिश करते हैं. बट ऐसे ही अगर बात करोगे ओनली डिपेंडिंग ऑन द टू शॉर्ट्स, तो क्या हो जाता है, फॉर द लॉन्ग टर्म इट मेक्स योर व्लॉग लिटिल बिट ऑफ बोरिंग. तो अगर आप चाहते हो व्लॉग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, अगर आप चाहते हो व्लॉग को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट चेंज द फ्रेम ऑफ योर शॉट. डिफरेंट एंगल से शॉट लीजिए, डिफरेंट एंगल से बात कीजिए. इससे क्या हो जाता है, आपका ब्लॉग देखने का जो मजा आता है ऑडियंस को बहुत ज़्यादा. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, आपका ब्लॉग का जो मोनोटोनीनेस है वो भी चला जाता है, और इट मेक्स सो मच इंटरेस्टिंग, एक फ्लेवर दे देते हैं आपको ब्लॉग को. सो दोस्तों आपको ऑलवेज डिफरेंट फ्रेम से बात करना पड़ेगा. कट शॉट लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डिफरेंट शॉट यूज कीजिए. तो इससे क्या हो जाता है, आपका ब्लॉग ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, और क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है. अगर आप शॉर्ट डिविजन और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हो, तो यू कैन फॉलो द वीडियोज ऑफ इरफान जुनेजो, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लॉगर है. ट्रस्ट मी, शॉर्ट डिविजन का तो ही इज द किंग माना जाता है इन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट है ऑल अबाउट योर स्पॉन्टेनियसनेस एंड योर एनर्जी. देखो भाई, अगर ब्लॉगिंग में अगर बात करें तो हाई गाइज, हेलो गाइज, कैसे हो, हाजी मैं अच्छा हूँ, चलिए आज भाई का एक सनग्लास आया फ्लिपकार्ट में, सनग्लास का कलर देखो ब्लैक है, रेड फ्रेम है, सॉरी गोल्डन फ्रेम है, तो क्या होगा, आपको बोलने के लिए भी मजा नहीं आएगा, जो देख रहे हैं उसको भी मजा नहीं आएगा. आपका बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. What's up guys? How are you? आज का ब्लॉग है ऑल अबाउट माय सनग्लास. आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट से ये नया सनग्लास आया है, एंड द सनग्लास ब्रांड इज नो ब्रांड. आपको जो बात करने का तरीका में एक बहुत ही एनर्जी, एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड लाना पड़ेगा. अगर आप एनर्जेटिक नहीं हो, स्पॉन्टेनियस नहीं हो, ट्रस्ट मी जो ऑडियंस जो देख रहे हैं वो सोचेगी इसका ब्लॉगिंग का कोई मतलब खुद ही मजा नहीं ले रहा है ब्लॉगिंग का, तो हम लोग को एंटरटेन कैसे करेगा. देखो ब्लॉगिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल है, अगर यू आर नॉट एंजॉइंग द ब्लॉग, इफ यू आर नॉट स्पॉन्टेनियस, इफ यू आर नॉट एनर्जेटिक, ट्रस्ट मी नो वन इज गोइंग टू गिव यू द प्रायोरिटी. अगर आप चाहते हो अटेंशन पाना, अटेंशन पाने के लिए द स्मूथनेस ऑफ योर स्पीकिंग, द एनर्जी लेवल ऑफ योर स्पीकिंग, द स्पॉन्टेनियसनेस, द नेचुरल तरीके से एक्सप्रेशन देके बात करने का जो तरीका है उसको आपको डेवलप करना ही पड़ेगा. सो गाइस, एक दिन में ये डेवलप नहीं होता, इसको अगर सुधारना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो, द बेस्ट थिंग इज दैट आपके पास स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन है तभी आप तो देख रहे हो. जस्ट स्मार्टफोन में फेसबुक में जाओ, फेसबुक लाइव करो, हर दिन एक एक फेसबुक लाइव ऑन करके दोस्तों के साथ बातें करो. मैं गारंटी देता हूँ, जस्ट 7 से 8 दिन के अंदर, विद इन 7 to 8 डेज, यू जस्ट कैन गेट द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. जस्ट कुछ भी बात कर सकते हो विद स्टाइल एंड विद योर एटीट्यूड मैन. दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ योर स्पीच. यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ व्लॉग नहीं गाइस, ड्यूरेशन ऑफ स्पीच का मतलब है एक टॉपिक के ऊपर, एक सीन के ऊपर जब आप बात कर रहे हो कितना टाइम लेकर आप बात कर रहे हो. एक्चुअली जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा टाइम से अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाता है ना, एक तो सर्टेन टाइम के बाद इट बिकम्स लिटिल बिट ऑफ बोरिंग. जो देखता है उसको भी अच्छा नहीं लगता है, और आप भी बोल बोल के थक जाओगे. सो द बेस्ट थिंग इज दैट वन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा टाइम लेकर बात मत करो, 30 सेकंड से 1 मिनट मैक्स टू मैक्स, उसके बाद कट कर दो वहां पर ही. अगर आप कट करके शॉट लोगे तो दो एडवांटेज है, एक तो जो
जो देख रहे हैं उसको ज्यादा मोनोटोनी ज्यादा बोर नहीं लगेगा और दूसरा आपका जो एनर्जी लेवल बराबर रहेगा बिकॉज लॉन्ग टाइम बात करने से एनर्जी लेवल गिर जाता है। अगर आप कट शॉट लोगे, रुक रुक कर बात करोगे, एक एक जगह पे आप पॉज लोगे और वहां पर कट करके पहले से फिर से शुरू करोगे, मीन्स जहां पर खत्म कर रहे हो वहां से ही शुरू करोगे, तो आपका एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा फ्रॉम द एंटायर ब्लॉग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बॉडी, नहीं आपका बॉडी नहीं है, मीन्स बॉडी ऑफ योर ब्लॉग, एक्चुअली द बॉडी ऑफ द ब्लॉग मीन्स एंटायर एक ब्लॉगिंग का जो ड्यूरेशन बोला जाता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे ब्लॉग को आपको तीन पार्ट में उसको तोड़ना है, उसको डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बोलना पड़ेगा कौन हो आप और किस चीज के बारे में आज आपको ब्लॉग बनाना चाहते हो, व्हाट द टॉपिक ऑफ द ब्लॉग। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद आता है गाइस जीस पार्ट, जिसका मतलब जो मिडिल पार्ट ऑफ द ब्लॉग, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्लॉग ही होता है एक ब्लॉगिंग का जान, एक ब्लॉगिंग का द मेन थिंग, आप इंटायर ब्लॉग को क्या टॉपिक के ऊपर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको समझाना, उसको डिस्क्राइब करना, उसको एनालिसिस करना, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को समझाना, सब कुछ आता है इस मेन पार्ट में। तो गाइस द मेन पार्ट ऑफ द ब्लॉग जिसको बॉडी बोला, जिसको जीस बोला जाता है, दैट इज कम्स द योर डेप्थ, दैट कम्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ब्लॉगर, ब्लॉगर कैसे बोल रहा है, कैसे एक चीज को प्रेजेंटेशन कर रहा है, दैट ऑल अबाउट द मेन मिडिल पार्ट ऑफ द ब्लॉग। और जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज द ऑल अबाउट द कंक्लूजन। गाइस एक ब्लॉगिंग को खत्म करना, ब्लॉगिंग को एंड करना भी बहुत जरूरी है। शाहरुख खान की बहुत फेमस मूवी है दैट इज हर स्टोरी के एक प्रॉपर एंड होता है, अगर स्टोरी का हैप्पी एंड नहीं होता है तो स्टोरी एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऐसे ही माई फ्रेंड हर ब्लॉग का एक हैप्पी एंडिंग होता है, हैप्पी क्लोजिंग होता है, तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा हाउ टू क्लोज द ब्लॉग। तो क्लोजिंग पर होता है एक्चुअली द एंड ऑफ द ब्लॉगिंग, और क्लोज में आपको समथिंग अबाउट पॉजिटिव, समथिंग अबाउट यूनिक, समथिंग अबाउट क्या बोलूं, समथिंग अबाउट द क्लाइमेक्स ऑफ द सीन आपको देना पड़ेगा ब्लॉग को खत्म करने के लिए। बट कुछ कुछ ब्लॉगर दे पुट सम हुक एट द इंट्रोडक्शन पार्ट, हुक का मतलब होता है एंटायर ब्लॉग में जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट, एंटायर ब्लॉग में जो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसको एकदम सामने 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड तक रखते हैं, और उससे क्या हो जाता है लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, चलिए हुक देखने के बाद चलिए इस ब्लॉग में दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट दैट आई हैव टू सी दैट इज कमिंग आफ्टर 10 मिनट्स आफ्टर 5 मिनट्स। अगर आप मुंबई का निखिल का ब्लॉग देखा होगा आपको पता होगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग ही जस्ट पुट सम हुक, हुक का मतलब होता है द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉग को 5-10 सेकंड 20 सेकंड के एक छोटा क्लिप बनाकर एकदम ब्लॉग के सामने इंट्रो पार्ट में डाल देना। ऐसे ही आपको 3-4 पार्ट में आपका ब्लॉग को ऑर्गेनाइज करना है, तो क्या होगा आपके माइंड में प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का फ्रेम रह जाता है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रेम रह जाता है, तब भी आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते। देखो अगर बात करते करते मैं सोचूं इसके बाद क्या बोलूं तो क्या हो जाएगा, मेरा बोलने का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अगर आप चाहते हो कॉन्फिडेंटली बात करना, अगर चाहते हो स्मूथ तरीके से बात करना, तो ऑर्गेनाइज योर ब्लॉग इन इंट्रो जिस कंक्लूजन और हुक को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। इफ देयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्लॉग उसको एकदम पहले रखिए टू जस्ट लाइक गेट द अटेंशन ऑफ योर व्यूअर्स। 5 मेन पॉइंट मैंने डिस्क्राइब कर दिया जो हर सेलिब्रिटी ब्लॉगर यूज करते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक योर ब्लॉग टू मच इंटरेस्टिंग। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी आपको बोलना है, दैट बोनस पॉइंट जो आपको नहीं करना है, गाइस आपको जो नहीं करना है जबरदस्ती नहीं करना है। देखो ब्लॉगिंग इट कम्स फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, अगर कोई चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है करने के लिए आप उसको जबरदस्ती करने जाओगे आप खुद भी एंजॉय नहीं करोगे, आपका जो फीलिंग्स नहीं दिखा कैमरा में। सपोज जब आपके साथ में बात कर रहा हूँ गाइस, माई फर्स्ट लैंग्वेज is not Hindi, my first language is English, but despite of that, trust me, मेरा जो टूटा फूटा हिंदी है उसको ही मैं बहुत enjoy कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ खुलकर बात कर रहा हूँ, बहुत ही मजे लेके बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हो seeing my expression, trust me, I am just enjoying to talk with you। जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ अचानक से क्या हो जाता है मेरे अंदर में कुछ vlogging का कीड़ा जाग जाता है to talk, you know, to speak too much talkatively। So guys, जिस चीज को करने के लिए आपको फोर्स करना पड़े that thing is not for you। तो vlogging का मतलब ये नहीं आप जोर जबरदस्ती किसी को कॉपी करके करो, क्योंकि गाइस अगर मुंबई का निखिल को कॉपी करोगे यू कांट बी अ मुंबई का निखिल, बिकॉज दुनिया में एक ही मुंबई का निखिल बन गया है। अगर फ्लाइंग बीस्ट को देखकर कॉपी करोगे यू कांट कॉपी बिकॉज फ्लाइंग बीस्ट ऑलरेडी हो गया है। अगर माउंटेन ट्रेकर को देखकर कॉपी करोगे ट्रस्ट मी वरुण वगीश हो गया है। तो यू कांट बी लाइक एनीवन एल्स, तो जबरदस्ती मत करो, किसी दूसरे की तरह कॉपी मत करो, जो खुद हो वही करो। सपोज आपका यूएसपी है जस्ट लाइक क्या करें, आपका यूएसपी है गार्डनिंग, तो गार्डनिंग के ऊपर ही वीडियो बना लो। अगर आपका यूएसपी है कुकिंग तो कुकिंग के ऊपर वीडियो बना लो। ट्रस्ट मी जिस चीज को करके आपको जबरदस्त मजा आता है उस चीज को दिखाकर आप एंटरटेन हो सकते हो, और जिसको दिखा रहे हो
भी एंटरटेन होगा. तो बी जेन्युइन, बी ऑथेंटिक, बी ओरिजिनल, डोंट बी अ कॉपी एंड पायरेटेड वर्जन. सो गाइस ये आपको नहीं करना है. पर्सनली मैंने सीखा है, मेरा एक साल व्लॉगिंग करते करते जो गलती मैंने किया है, ट्रस्ट मी हजारों लाखों करोड़ों मिस्टेक आई हैव डन. अभी भी सोचता हूँ अगर एक डेढ़ साल पहले मैं पहुंच सकता, इफ आई कुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सो मेरा ट्रेवल ब्लॉग का जो डिफरेंट सीरीज और भी बेहतर कर सकता. बट इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ. ट्रस्ट मी एंटायर जिसको मैं ये छह पांच छह पॉइंट में बोलने की कोशिश किया, होप सो ये पॉइंट सुनकर, पहला पांच पॉइंट सुनकर आप इंप्रूव करोगे. लास्ट वाला जो सिक्स पॉइंट बोला उसको नहीं करना है. ये छह पॉइंट को अगर इस्तेमाल करोगे, ट्रस्ट मी आपका ब्लॉगिंग का जो एंटायर क्वालिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. जस्ट करके तो देखो. सो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं. ब्लॉग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. सो माई लवली फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.